नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर में भोंदू बाबा ने किया तबीयत ठीक कराने के बहाने नाबालिग का विनय भंग। सावनेर थाना अंतर्गत 16 वर्षीय युवती की जादू टोने से तबीयत ठीक कराने के बहाने ढोंगी बाबा ने उसके साथ आपत्तिजनक बर्ताव कर विनय भंग करने का मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाटड़ सावंगी निवासी एक 16 वर्षीय नाबालिग की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। उस दौरान भोंदू बाबा मनोज मारोत राव काबले 35 वर्ष निवासी पाटड़ सावंगी ने उसकी तबीयत जादू टोने और तंत्र मंत्र से सुधारने का दावा कर पीड़िता के घर पहुंचा। परिजनों को घर से बाहर जाने की सूचना दी। उसके बाद आरोपी ने पीड़िता पर तंत्र विद्या से हल्दी कुमकुम लगाकर नींबू काटकर इलाज के नाम पर पीड़िता के साथ छिड़खानी की व किसी को भी ना बताने की धमकी दी। भोंदू बाबा की अश्लील हरकतें व आपबीती पीड़िता ने अपने परिजनों को बताने पर परिजनों के साथ सावनेर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सावनेर पुलिस ने आरोपी मनोज कावले के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा विभिन्न धाराओं में बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून व नरबली व अन्य अनिष्ट व अघोरी प्रदावा जादू टोना प्रतिबंध व उच्चाटन कानून 2013 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच थानेदार मारुति मुलुक कर रहे हैं। सावनेर संवाददाता मुकेश हरबड़े की रिपोर्ट।